जो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए वो आता हूँ। और ये इनकी पोती है और ये इनको आप जानते ही ताई है ये हमारी। हाय कर दो। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे में आपको पता है कि बच्चों की छुट्टी होती है, लेकिन संडे में ही सबको टाइम होता है कि आने जाने वालों का भी। तो आज हमारे घर पर अचानक से, मतलब बिना बताए, हमें पता भी नहीं था, और मेहमान आ गए हैं। और मैं दिखाती हूँ कौन से मेहमान आए हैं। और फ्रेंड्स, आज घर पे ना पेंट वाले भी आ गए हैं, तो पेंट हो रहा है हमारे घर पे आज, तो मैं वो दिखाती हूँ आपको। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। गाइस, ये है हमारे ताऊ, ये कोल्ड ड्रिंक पीते हुए वो आता हूँ। और ये पापा, ये क्या लगता है मेरे भैया? ये है गाइस मेरे भैया। और ये कौन है? ये दोनों मेरे भैया हैं और ये मेरे बाबा जी हैं। हाय कर दो। ये है मेरे पापा, आप इनको जानते ही हो। तब आप भी हाय करो, आप भी करो हाय। सो गाइस, ये हैं मेरी अम्मा जी और ये इनकी पोती है और ये इनको आप जानते ही हो ताई हैं ये हमारी। हाय कर दो तीनों। गाइस, मैं आपको लॉबी में आके दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी एक पेंट सा, अलग सा ही पेंट हुआ है यहाँ पे वाइट कलर का। सभी ये थोड़ा गीला है तो मुझे यहाँ से करना होगा। ये देखो मम्मी, सो गाइस ये देखो। भैया हाय। और फ्रेंड्स, आज संडे है तो आराध्य की छुट्टी है, तो आराध्य ने कहा कि ऊपर से मैं दिखाती हूँ कि कैसे हमारे घर में पेंट होने स्टार्ट हो रहा है। और जो गेस्ट आए हुए हैं, मेरी सासू माँ के भाई और भाभी हैं, वो आए हुए हैं, पर मम्मी जी तो नहीं है यहाँ पे, वो गई हैं। दीदी हैं, आपको बताइए, उनके पोता हुआ है, तो वो उनको पता नहीं था कि मतलब मम्मी जी नहीं है यहाँ पे, तो आके थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था उन्हें। और तो आज तो सारा फुट्टी फुट्टी का काम हो जाएगा, है ना? कल से करोगे पेंट? हाँ अच्छा, हाँ सर्दियों में थोड़ा वो रहता है, पर सूख जाएगी, कोई नहीं, कल सुबह तक तो। और फ्रेंड्स, अब मामा ससुर और मामी ससुर मेरे अब जा रहे हैं, तो आराध्य जाते हुए उनकी पोती को ना ये दिखा रही थी कि म्यूजिक सिस्टम बजा के दिखा रही थी। और यहाँ पे देखिए, मामी जी अब जाने के लिए कह रही हैं मामा जी से। और फ्रेंड्स देखिए, बताए वाले ना आज सिर्फ उसको, मतलब जो बेकार दीवार होती है उसको घिसा है और पुट्टी करी है। और शाम को फिर मैं झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि फिर दिन छप जाता तो झाड़ू नहीं लगती। तो देखिए, मैं मोटा मोटा कूड़ा साफ़ कर रही हूँ, और क्योंकि ना घर गंदा होता तो फिर अच्छे से नींद भी नहीं आती, अच्छे से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं बस ऐसी झाड़ू लगा रही हूँ, सीखों वाली झाड़ू से। और अभी तो पेंट चलेगा तो इसलिए धोने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस मैं झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगा काफ़ी साफ़ हो जाएगा। तो ये देखिए कितना मोटा मोटा कूड़ा निकल रहा है, बाहर कर दूँगी। और बस फिर उसके बाद आज डिनर बनाऊँगी अब जाके, थोड़ा सा काम बढ़ जाता है ना जब पेंट होता है घर पे, तो और गेस्ट भी आए हुए थे तो थोड़ा सा काम बढ़ गया था। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी, अब मैं किचन में जाऊँगी और डिनर बनाऊँगी।
और फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ किचन में और रात का टाइम हो गया है, डिनर बनाने का टाइम हो गया। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी और बस आज कुकर में शौक रही हूँ, जल्दी बना रही हूँ क्योंकि कढ़ाई में करने से टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा और बच्चों को लग रही है भूख, तो इसीलिए मैं कुकर में सब्ज़ी बना रही हूँ और जल्दी से बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी डिनर बनने के बाद उसके बाद थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं वो भी मैं साफ़ कर दूँगी। मसाला मेरा तैयार हो चुका है, बस सब्ज़ी को धो के अब कुकर में मैं डाल दूँगी और एक सीटी में सब्ज़ी बन जाएगी। बस मैं पानी बहुत कम डालती हूँ ताकि ये मतलब ग्रेवी वाली ना बने, सूखी सब्ज़ी बने। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी धो के डाल दी है मैंने कुकर में और अब बस अब सब्ज़ी बन जाएगी तो फिर बच्चों को मैं खाना बना दूँगी। और फ्रेंड्स जब पेंट होता है ना तो घर में बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, घर कितना भी साफ़ कर लो फिर भी गंदा ही हो जाता है। और हमें सिर्फ अभी ना पेंट हम बाहर बाहर का करा रहे हैं, मतलब फ्रंट का ही करा रहे हैं क्योंकि अभी सर्दी है और अभी टाइम इतना नहीं है क्योंकि छोटे दिन होते हैं तो इतना नहीं हो पाएगा। और बस अंदर का तो इतना ख़राब भी नहीं है, बाहर का ज़्यादा ख़राब हो गया था क्योंकि बारिश वगैरह पड़ती है ना तो उससे ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं दीवारें। तो बस बाहर का फ्रंट करवा रहे हैं हम लोग और उसमें भी देखो कितना गंदा हो जाता है घर, मतलब बाहर काम हो रहा है लेकिन फिर भी अंदर तक गंदगी आ जाती है। और पेंट जब होता है आपको पता ही है कितना हो जाता है घर गंदा। बस कुकर का ढक्कन मैंने कर दिया बंद, अब सब्ज़ी बन जाएगी, इतने में कर देती हूँ बर्तन साफ़। तो यहाँ पे बर्तन भी बहुत धो गए थे क्योंकि दोपहर से मतलब गेस्ट आए हुए थे तो मैंने नहीं करे थे दोपहर में, मैंने कहा सब एक साथ ही कर लूँगी क्योंकि अब सर्दी है ना तो बार बार मतलब बर्तन साफ़ करने में वो ठंड सी लगती है। तो मैंने कहा चल शाम को ही जब मैं डिनर बनाऊँगी तभी बर्तन साफ़ कर लूँगी। और आज संडे था तो बच्चों की ड्रेस यूनिफॉर्म भी धोई थी मैंने, तो वो भी मैंने उतार के रख ली है। और प्रेस वाला आया था तो मैंने प्रेस वाले को कपड़े भी दे दिए हैं प्रेस होने के लिए, इनके जो कलफ के कपड़े थे। और फ्रेंड्स यहाँ पे बर्तन साफ़ करके उसके बाद मैं बच्चों को फुलके वगैरह बना दूँगी, जो भी मतलब पराठे ही खाते हैं तो बस पराठे बना के, और ये और मैं रह जाएंगे। हम लोग थोड़ा सा लेट खाते हैं खाना, जब ये आते हैं तभी मैं खाती हूँ खाना, तो ये थोड़ा बाहर गए हुए हैं तो ये जब आएंगे तब मैं इनके साथ खाऊंगी। अभी बच्चों को बना देती हूँ खाना और मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ़। तो फ्रेंड्स मैं अब बच्चों के लिए बना देती हूँ खाना। और सुबह ना मैंने बथुए के पराठे बनाए थे, बथुए का रायता था और आलू टमाटर की सब्ज़ी थी, तो बथुए का जो आटा है वो थोड़ा सा बच रहा था तो मैं वही बना रही हूँ। लेकिन बच्चे बहुत फेडअप हो गए हैं, मतलब ग्रीन ग्रीन साग, बथुआ का रायता, बथुए के पराठे, तो कह रहे कि मम्मी कब तक ये ग्रीन वाले पराठे, बोलते हैं बथुए के पराठे को कि कब तक खिलाओगी ग्रीन वाले पराठे। तो मैंने कहा चलो अब मैं दो चार दिन रुक के बीच में तब बनाऊंगी। इनको बहुत अच्छे लगते हैं बथुए का रायता पराठे तो मैं इनके लिए बनाती हूँ। तो भाई दो दो तरीके का तो आटा नहीं मल जाता ना, तो ये कि मतलब बस यही थोड़ा सा आटा बचा हुआ था तो मैंने कहा चलो आप खा लो बथुए के पराठे। और बस आराध्या ने तो अभी खाए थे तो शायद आराध्या को तो भूख नहीं लगी, लेकिन फिर भी मैं ना एक पराठा बनाऊंगी जरूर उसके लिए क्योंकि उसकी भूख का कुछ नहीं पता हुआ था कब उसे भूख लग जाती है। अभी तो 8 ही बजे हैं तो अगर वो जगती रही तो 10 बजे तक उसे भूख फिर से लगी आई। और उसने अभी 7 बजे से खाया था खाना क्योंकि रखे थे दोपहर के 2 पराठे तो उसने वो खा लिए थे, लेकिन फिर भी मैंने उसको एक पराठा बना दिया है। और बस ये आएंगे तो मैं और अपने लिए अलग जब बनाऊंगी पराठे तो नहीं, खैर रोटी खाते हैं हम लोग तो। और फ्रेंड्स बस शॉल में ना काम नहीं होता थोड़ा सा, तो मैंने शॉल उतार के रख दिया है अभी, और उसके बाद जब हम फ्री होते हैं तभी हम शॉल ले सकते हैं, वैसे तो नहीं लिया जाता काम के टाइम पे। बस भव्य अभी खाना खा लेगी। सो फ्रेंड्स बज गए हैं अब 8 और मैं अपने कान्हा जी को ना 8 बजे सुला देती हूँ, तो अभी इनको मैं इनके जो कपड़े हैं दिन भर के पहने हुए और ये बांसुरी भी निकाल के रख देती हूँ। जैसे हम लोग रात में नाइट कपड़े पहनते हैं, नाइट सूट पहनते हैं, और वैसे ही मैं इनको पहना के सुला देती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स कान्हा जी ने पहन लिए हैं नाइट के कपड़े और मैं इनको अब सुला रही हूँ। इस तरीके से इनकी रजाई बनाई हुई है अम्मा ने, इनकी मेरे हिसाब से मैंने रजाई बनाई थी, तो बस मैं इनको अब सुला देती हूँ। अभी सो जाएंगे और मैं इनकी कर देती हूँ लाइट ऑफ।
तो बस इनकी हेयर का पर्दा भी कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरे चैनल पर अपनी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरा बन चुका है बच्चों के लिए डिनर, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। I'm not afraid of the dark.